अभी हम सांगला से करछम की तरफ जा रहे हैं। कितना किलोमीटर था? 17 ना। हाँ, रोड तो है ही नहीं रोड बारिश में ऑफ रोड ही है कम्प्लीटली। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट काफी चल रहे हैं, डैम डूम से रिलेटेड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से है, तो उसके चक्कर में काफी तोड़फोड़ कर रखी है। वो सामने दिख रहा है रोड के नजारे देखो, और साइड में काफी वैली की डेप्थ दिख सकती है, कितनी गहरी वैली है दिखा था भाई एक बार अमित। चैलेंजिंग रोड्स हैं, ड्राइविंग का एक्सट्रीम चैलेंज मिलता है इन रोडों पे। आने से पहले बस अपनी गाड़ी के टायर टूर वगैरह को प्रॉपर चेक करके आए, ट्रेड्स वगैरह उनमें पूरी हो, कहते गंजे टायर लेकर आ जाओ और फिर खड़े रहो पंचर लगवा के तैयार है। आर्मी वालों का ट्रक भी आगे रुक गया है। अब बिल्कुल खत्म है रोड, रोड पे गए तारकोल तुरकोल कुछ नहीं है, पत्थर ही पत्थर है बस। अभी हम लोग ये करछम को क्रॉस कर रहे हैं, करछम डैम है हमारे राइट साइड, दिखाता हूँ यहाँ पर, ये दिख रहा है। गेट बंद है, दो वॉल खोल रखे हैं, अभी इकट्ठा कर रखा है, गेट तो बंद कर रखी है। करछम डैम 300 मेगावाट। अब यहाँ से लेफ्ट लेंगे हम लोग शिमला चंडीगढ़ नारकंडा के लिए। लेफ्ट साइड का शिमला के लिए, राइट साइड का है रिकोंगपियो और रिकोंगपियो का राइट साइड का रोड है। यहाँ से फिर नागपुर टापों का सर्किट कंप्लीट हो गया, लेह लाहौल स्पीति का सर्किट कंप्लीट करने के लिए जो मनाली से रिटर्न होगा यहाँ से राइट लेना होगा, करछम को विजिट करके सॉरी चितकुल विजिट करके करछम से राइट लेके रिकांगपियो लेफ्ट शिमला चंडीगढ़। हमारा प्लान शिमला स्टे का है, लाहौल स्पीति सर्किट कंप्लीट कर रखा ऑलरेडी, फिर कभी दोबारा करेंगे तो देखेंगे। अभी हम करछम से टापरी की तरफ जा रहे हैं, पूरा रोड शानदार बना रखा है यहाँ पर, रोड कैसे है सच कोई प्रॉब्लम नहीं है डबल रेल का, साइड बाय साइड बसपा रिवर। अब टापरी पहुँच के देखते हैं आज क्या कुछ है, यहाँ तक अभी तक कोई पेट्रोल पंप नहीं आया ना मेरे ख्याल से। हाँ, ऑन रोड सांगला में पेट्रोल पंप था और अभी तक कोई पेट्रोल पंप नहीं आया है, बेटर है कि टापरी से ही फ्यूल टॉप अप करवा के गाड़ी में निकला जाए ताकि सच ऐसी कोई तेल की समस्या ना आए जिस तरह की हमने फेस करी है। ये टापरी का बस स्टैंड, राजधानी एक्सप्रेस लगी हुई है टापरी बस स्टैंड पे, ये दिखा दी बोर्ड लगा टापरी का,
जो टापरी की लोकल मार्केट है, छोटी सी है, धन्यवाद बोर्ड भी आ गया है टापरी वाला का। यहाँ पर मैं आया था पहले, यहीं पे स्टे किया हुआ है टापरी के अंदर। ये टापरी से निकलते हैं एंट्री करते टाइम हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है, यहाँ से फुल फ्यूल टॉप अप किया जा सकता है। इससे आगे फिर सांगला में मिलेगा भाई, इससे आगे फिर अगर चितकुल की तरफ जा रहे हो सांगला ही मिलेगा, पर वहाँ रेट ज्यादा है यहाँ के मुकाबले, तो बेटर है कि ज्यादा खर्चा ना किया जाए, यहीं से सस्ते में तेल लगवा लो। रास्ते में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की टनल का वर्क चल रहा है, सोचा क्यों ना आपको इसका थोड़ा व्यू दिया जाए। ये टनल 210 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये टनल बन रही है। ये इस टनल का अब यहाँ से जो ये मिट्टी अड़ी हुई है, अब ये रूट ब्लॉक कर रखा है, यहाँ से वाटर इनलेट होगा इसमें, ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रही है, डंपर वगैरह खड़े हैं ऊपर साइटों के ऊपर, देखो बहुत लग रही है हाइड्रा जेसीबी। तो हिमाचल के अंदर जोर शोर से चल रहे हैं हाइड्रो प्रोजेक्ट्स वर्क्स, डिमांड इतनी हो रखी है कंट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की, तो किया क्या जाए, जरूरी है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंसी शो करना। हाँ बट नेचर का तो नुकसान है नो डाउट, ये देखो पहाड़ों का क्या हाल बना दिया है खोद खोद के। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस तो क्रिएट हो रहा है एनवायरनमेंट के अंदर ड्यू टू दिस डेवलपमेंट। अब रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ चुकी है, थम ही नहीं रही चीजें। चलो रास्ते का भी दिखा देते रिव्यू आपको, रास्ता पूरा खराब है इस रोड पर। ये अभी हम नारकंडा की तरफ जा रहे हैं, काफी लंबा स्ट्रेच है, ये पूरा कच्चा रास्ता है। इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के चलते ही इस तरह का खराब हो रखा है रास्ता। ये रोड के ऊपर दिख रही है यहाँ पर हाइड्रा काम कर रही है।
देखो जी किस तरह जोर शोर से कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है हाइडल प्रोजेक्ट का, टनल क्रिएशन का। तो फाइनली आज हम लोग चितकुल से सीधा शिमला आ गए। उधर सामने पार्किंग है, मल्टी लेवल पार्किंग, वहाँ पर गाड़ी पार्क कर सकते हैं और रोड क्रॉस करके लिफ्ट है सीधा माल रोड पर जाने के लिए। और चलते हैं, चलो भाई टिकट काउंटर यही है, एंट्री करते ही लगे हैं। ये टिकट काउंटर 10 बजे तक चालू रहती है, लिफ्ट रात को 10 बजे बंद हो जाती है। 10 रुपए पर हेड चार्जेस।